अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग। क्या है डायरेक्टर अली अब्बास जफर का बड़ा बयान? क्यों हो रही है फिल्म डिले? कैसे कर रहे हैं अक्षय टाइगर को तंग? अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां की जब से घोषणा की गई है, फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इस इंतजार के साथ ही लोगों में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई थी। सारा कंफ्यूजन इस फिल्म के टाइटल की वजह से शुरू हुआ। दरअसल इस फिल्म का नाम साल 1998 में रिलीज हुई गोविंदा और अमिताभ की फिल्म से हूबहू मिलता जुलता है। यही वजह है कि लोगों को लग रहा था कि ये पुरानी फिल्म का सीक्वल है। इस बारे में बात करते हुए अली ने बताया कि इस फिल्म का पिछली कहानी से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी बड़े मियां छोटे मियां एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होगी, फिलहाल हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। फिल्म की कहानी फाइनल हो चुकी है और कास्टिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन डायरेक्टर साहब के व्यस्त होने की वजह से साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो अली अब्बास जफर अब तक कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। मेरे ब्रदर की दुल्हन से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने वाले कार्तिक सुल्तान टाइगर जिंदा है और भारत जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उनकी शाहिद कपूर स्टारर ब्लडी डैडी जल्द ही रिलीज होने वाली है। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म को जैकी भगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों किरदार पुराने बड़े मियां छोटे मियां के किरदारों से बिल्कुल उल्टे हैं, जो कि ये साफ करता है कि ये फिल्म कोई रिमेक नहीं है, यानी फिल्म की कहानी का पिछली फिल्म से कोई लेना देना नहीं होगा। पोस्ट में उन्होंने टाइगर श्रॉफ को टैग करते हुए लिखा है, जिस साल तुमने इस दुनिया में डेब्यू किया मैंने उस साल फिल्म में डेब्यू किया था, फिर भी मुकाबला करेंगे छोटे मियां, चल फिर हो जाए कुछ एक्शन एट टाइगर श्रॉफ।